सारी लटें सर। रोटी के अंदर प्रेशर रहती है सर, हम ज़्यादा रोटी खाते हैं सर, और यहाँ पांच चपाती देते हैं सर। फुल दाबते नहीं है सर। और क्या दाल के अंदर सर कमी है सर, दाल फिक्स से दो तीन चम्मच लास्ट है सर। और सर पानी के अंदर है सर, पानी सर हैंडपम्प पर जाके ना के आते सर। और पीने की कमी है सर, तीन प्याओ से पानी लाते हैं सर। नहाने के लिए कैंपस से बाहर जाना पड़ता है। हाँ सर। पीने का पानी कहाँ मिलता है आपको सर? अम्बेडकर सर यहाँ कुछ नहीं पड़ता है। खाना मेनू आपको रोज अलग अलग दिया जाता है या कितने समय से दिया जा रहा है सर? सबसे एक क्या दिया जा रहा है? दाल रोटी। कोई मीठा वगैरह या कुछ भी नहीं? नहीं सर। और ना सुबह को चाय मिलती है, ना स्पेशल डाइट इतवार में मिलती है। नाश्ता वगैरह कुछ भी नाश्ता नहीं सर? कल परसों सर नाश्ता सर पहला सर वो इतना सा देता है सर। रामराज गुजर और ए सी दे देते हैं। टॉयलेट बाथरूम भी साफ नहीं है, और यहाँ पर हमारा झाड़ू फटका भी हम ही करते हैं सारा काम। सफाई आप लोग खुद कर रहे हैं? पानी की क्या व्यवस्था है? पानी है नहीं सर। तो खाना बनाने के लिए तो भाई जी रखी हुई है ना? हाँ सर, उसके अंदर हेल्प करवाते हैं। हम यहाँ से जाते हैं, कमरे से बुलाते हैं हरेक को। कौन बुलाता है आपको? पीने का पानी कहाँ से लाते हो? पीने का पानी सर अम्बेडकर सर्किल की से लेते हैं। यहाँ व्यवस्था नहीं है? हाँ सर। लेटरिन बाथरूम कौन साफ करता है? हम ही करते हैं सर। खुद ही करते हो लेटरिन बाथरूम? अधिकारी कब आते हैं यहाँ? अधिकारी आते नहीं है सर। सर कितने समय से नहीं आ रहे हैं? दो या तीन महीने। कितने बच्चे हो आप लोग यहाँ पे? 27 बच्चे हैं सर। 27 बच्चे हैं। क्या नाम बेटा तेरा? सत्यनारायण बेवा नाम सर। यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम हम भी सफा करते हैं, और खाना भी बनवाते हैं, और दाल के अंदर पानी ज़्यादा दाल कम और इल्लियाँ ज़्यादा आती है। अच्छा। और यहाँ से पानी भी दूर से भर के लेते हैं पीने का पानी। आपने शिकायत करी का अधिकारी को? नहीं सर, जिला अधीक्षक को शिकायत करते। अच्छा, यहाँ किसी अधिकारी को कहा कि भाई ऐसे प्रॉब्लम आ रही है सर? करा सर हमने किया। तो क्या कहा अधिकारी? धमकी दिया सर। पाचा किया सर, हमें अधिकारी अन्य गोविंद सिंह जी उनको वापस लाना होगा यहाँ पर। हम लट जाते हैं यहाँ से। आपको रहने के लिए बिस्तर वगैरह कैसे क्या सुविधा है सर? कई बार सर, एक बार दरी ऊपर की गंदी भी हो जाती है, तो वापस धुपाई भी नहीं हुई सर। हम खुद ही धोते हैं। सफाई कमरे की वगैरह भी आप लोग करते हैं सर? साबुन भी नहीं दी। 10 रुपए की एक साबुन देती हूँ, उसे एक महीने चलाना। कितने महीने हो गए आपको परेशान होते सर? अब 2 साल हो गए सर, मत डर हो गए सर, 3 साल हो जाए। ठीक है, आपका नाम बताओ? महेंद्र बेरवा। और नियमानुसार जो कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। बच्चों का आरोप है बच्चों को नहाने के लिए बाहर भेजा जाता है यहाँ पानी, नहीं पानी बच्चों को नहाने के लिए बाहर नहीं भेजा जाता। कल परसों ही मेरे स्टाफ के सामने टैंकर डला है। कोई मैं खुद, क्योंकि मैं टॉयलेट करने गया था, मैंने देखा था टैंकर खाली हो रहा था, मैंने खुद ने देखा है। आप LDC से पूछ लीजिए, मैंने खुद ने देखा है टैंकर खाली हो रहा था। हाँ, हो सकता है कि आप ये कह सकते हो साहब पानी खत्म हो गया, तो हम उसके लिए और टैंकर मंगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या लगा था फ्राइडे को? मुझे ये पता है, क्योंकि मैं टॉयलेट करने गया था, जब मैंने देखा था टैंकर खाली हो रहा था सर। तो पानी की व्यवस्था है, हम लोग और करवा लेंगे। रसोई घर में जो है साफ सफाई किस तरह से होती है कि जो बच्चों को जो खाना मिलता है उसमें लट्टे पड़ी हुई है सर? नहीं, वो मैं दिखवाता हूँ एक बार। कब तक सर? कब? नहीं, आज हम लोग व्यवस्था सुधार लेंगे। आज कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था सुधरवा लेंगे। मैं दे दूंगा पैसे यार, पैसे के लिए कभी मना नहीं किया बच्चों को, कि भाई कुछ चीजें हमेशा हमने हर चीज प्रोवाइड करवाई है, और हमें मेरे स्तर पर हर चीज देखता हूं। बात ये है कि यहाँ कार्यालय छात्रावास चल रहा है, यहाँ क्या है हमारे पास यहाँ परमानेंट छात्रावास अधीक्षक नहीं है। हमने रूपनगढ़ वाले को यहाँ चार्ज दे रखा है, वो यहाँ आते हैं एज पर, वो वहाँ रूपनगढ़ व्यवस्थाएं देखते हैं, अराई व्यवस्थाएं देखते हैं। 3 छात्रावासों के चार्ज उनके पास है, वो यहाँ आते हैं, और हम लोग उनको अगर उनकी गलती है तो हम उनके खिलाफ लिख के देंगे उच्च अधिकारियों को, नियमानुसार कार्रवाई करवाएंगे।
बच्चों का आरोप है टॉयलेट तक आपके सफाई नहीं, बच्चों से टॉयलेट सफाई करने के लिए नहीं बोला जा रहा, बच्चों ने बताया टॉयलेट के लिए नहीं, टॉयलेट के लिए भाई है, भाई काम करती है क्योंकि मैंने देखा टॉयलेट में भाई आप इस तरीके से बिल्कुल क्या पक्ष नहीं ले रहा। पिछली बार इन्होंने मेरे को भाई हटाने के लिए कहा था, मैंने भाई हटवाई थी। बच्चों की सुरक्षा को लेकर आपने गार्ड रख रखा है लेकिन गार्ड का ना कोई आने वाले एंट्री करता ना जाने वाले एंट्री करता है, यहाँ कोई अनोन पर्सन आता है तो मैं दिखवाता हूं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या है।